हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीएल चौधरी, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। आई एम ललित सोनी, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सीएलसी की गुरुनीति 180 वर्सेस 180 के अंदर। तो मैंने आपसे बताया था कि बायोलॉजी के जो 90 वीडियोज हैं उसमें आप फोर्थ वीडियो है और बोटनी का सेकंड वीडियो है। तो देखिए बेटा कि बोटनी के अंदर जो एनसीईआरटी 11th के शुरू से 1-3 चैप्टर हैं, तो अपन लिविंग वर्ड फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर चुके थे। अब अपन सेकंड चैप्टर को और थर्ड चैप्टर को अकॉर्डिंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और आप समझ सकते हैं कि वायरस विरोध जिनको 5 किंगडम में अपन इंक्लूड नहीं करते क्योंकि वो लिविंग नहीं है, और फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो किंगडम है मोनेरा है, तो अपन यहाँ वायरस और मोनेरा को डिस्कस करेंगे। जस्ट बाद में अपन आगे के लेक्चर्स में प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी। तो मैंने आपसे कहा था कि 100% एनसीईआरटी की सिक्वेंस में लाइन टू लाइन एनसीईआरटी होगी। तो चाहे कोई फ्रेशर बच्चा हो, जो आप सीएलसी के रेगुलर स्टूडेंट हो, या कोई भी स्टूडेंट्स हो जो अपने कोचिंग के अंदर पढ़ रहे हैं, जिनका सिलेबस एनसीईआरटी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चल रहा है, उस सिलेबस के दौरान भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, इनका बहुत लाभ उठा सकते हैं, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, एनसीईआरटी लाइंस को क्लियर कर सकते हैं। ये नीट 2021 के लिए आपके लिए ब्रह्मास्त्र होगा। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि जो रिपीट कर चुके हैं वो तो टॉपिक को पहले एनसीईआरटी की टॉपिक को पढ़ के इन क्वेश्चंस को बहुत गहराई तक जा सकते हैं। तो देखिए अब डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो। नीचे दिए गए खतरे में से आपको गलत को सेलेक्ट करना है। तो देखिए कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको गलत क्वेश्चन, गलत स्टेटमेंट को आपको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इन एडिशन टू प्रोटीन कोट वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए और आरएनए। विषाणुओं में प्रोटीन के कोट के साथ साथ आनुवंशिक पदार्थ के रूप में या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है। बिल्कुल, विषाणु में दोनों आरएनए डीएनए एक साथ कभी नहीं होते, या तो विषाणु में डीएनए होगा या विषाणु के अंदर आरएनए होगा। मतलब जो यहाँ पे वायरस है उसमें प्रोटीन का कोट तो होगा ही होगा, लेकिन प्रोटीन के कोट के साथ में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। आप समझ सकते हैं कि भाई वायरसेस जो हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स हैं, और आउटसाइड ऑफ सेल इनर्ट पार्टिकल हैं, आप समझ सकते हैं। और उसकी स्ट्रक्चर में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, जो लार्ज क्रिस्टल है उसको क्रिस्टलाइज किया जा सकता, तो प्रोटीन के हैं, और इनसाइड जेनेटिक मटेरियल के रूप में आइदर डीएनए और आरएनए, नॉट बोथ। यस, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट, नॉटली करेक्ट, क्लियर बेटा। फिर आप ध्यान दीजिए कि द आरएनए ऑफ द वायरॉइड इज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। तो बिल्कुल सही है कि वायरॉइड जो होता है वो फ्री एसएसआरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और वो कंपैरिजन टू अदर आरएनए लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बैक्टीरियोफेजेस आर यूजुअली कंटेन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बैक्टीरियोफेज वायरस में अपन देखेंगे तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो डीएसडीएनए होगा। अपन बताएंगे बेटा कि जो प्लांट वायरसेस होते हैं उनके अंदर मोस्टली एसएसआरएनए होता है, एनिमल वायरसेस में डीएसडीएनए होता है, और कुछ जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं या वर्टिब्रेट को इन्फेक्ट करते हैं उनके अंदर एसएसआरएनए होता है, और बैक्टीरियोफेज में मोस्ट ऑफ केसेस में आपका होता है डीएसडीएनए, क्योंकि बैक्टीरियोफेज में एसएसडीएनए बाकी डीएसडीएनए। यस, तो यहां पर आप जानते हैं कि ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और बैक्टीरियोफेजेस कंटेन प्रोटीन फैक्ट्री, ये रॉन्ग है, रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि प्रोटीन फैक्ट्री तो लिविंग सेल में होती है। प्रोटीन फैक्ट्री आप कहते हैं कि डीएनए आरएनए सर राइबोसोम, तो अपनी प्रोटीन मशीनरी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में है, प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट में है, और इवन आप जानते हैं कि लिविंग सेल में प्रोटीन मशीनरी होती है, तो वो वायरसेज में एब्सेंट है, कि वायरसेज में या तो डीएनए है या आरएनए। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। आंसर विल बी फर्स्ट, सॉरी आंसर विल बी फोर। एक बात बताना चाहूंगा मैं यहाँ पर, जैसे जो बच्चों यहाँ पर बैक्टीरियोफेज है, उन बैक्टीरियोफेज के अंदर प्रोटीन फैक्ट्री जो वो नहीं होती है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज जो बेसिकली वायरस ही होते हैं, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करें हम उनको बैक्टीरियोफेज बोल देते हैं। इनमें प्रोटीन फैक्ट्री का मतलब बच्चों होता है कि राइबोसोम वगैरह, राइबोसोम जो है वो रेस्पॉन्सिबल है प्रोटीन का फॉर्मेशन करने के लिए, और ये तो यहाँ पर लिविंग सेल ही नहीं होती बैक्टीरियोफेज, तो ठीक है ये तो इनर पार्टिकल होता है, तो इसमें कोई प्रोटीन की फैक्ट्री नहीं है। दूसरी बात, विरोइड जो है, विरोइड के अंदर जो आरएनए है वो लो मॉलिक्यूलर वेट का है, इसका मतलब यहाँ पर जो आरएनए है उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनके नंबर काफी कम होते हैं, जिससे ये यहाँ पर क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर अपने पास में फोर होता जाएगा। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, क्लियर। हाँ देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेलेक्ट राइट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट गिवन बिलो। दिए गए खतरों में से आपको सही और गलत दोनों को चयन करना है, जो सही है करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों को चयन करना है। स्टेटमेंट देखिएगा, कोल्ड एंड फ्लू आर वायरल डिजीज। बिल्कुल सही है भाई, जो इन्फ्लुएंजा होता है तो वो रेस्पॉन्सिबल होता है कोल्ड और फ्लू के लिए, दोनों के लिए, सही। और सेकंड स्टेटमेंट है, सिट्रस कैंकर डिजीज कॉजेज बाय जेंथोमोना साइट्री बैक्टीरिया। बिल्कुल करेक्ट है, जो जेंथोमोना साइट्री है वो सिट्रस के अंदर, लेमन नींबू में है ना, सिट्रस के अंदर सिट्रस कैंकर डिजीज कॉज करता है।
है ना, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, करेक्ट है 100% एनसेट लाइन टू लाइन, यस स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज बाय वायरॉइड, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ट्रिपैनोसोमा से होता है, बिल्कुल ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई जो एक प्रोटोजोन है, प्रोटोजोन और फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन है ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई जो करता है स्लीपिंग सिकनेस। और आप जानते हैं कि स्लीपिंग सिकनेस इसका जो कैरियर है सीसी फ्लाई, बिल्कुल यस बिल्कुल करेक्ट है। प्रियोन कंटेन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, रॉन्ग हो गए क्योंकि प्रियोन के अंदर जरूरी नहीं कि सिंगल स्टैंडर्ड, वो तो प्रोटीन नस पार्टिकल होता है, वो तो प्रोटीन से बना है, वहां पे कोई रिप्लिकेशन होता ही नहीं है, बिल्कुल सही है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। वायरसेस एंड प्रियोन आर एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि वायरसेस और विरोड है वो सेल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सेल स्ट्रक्चर ही नहीं है अपने आप में, अपने बताया कि इनर्ट पार्टिकल आउटसाइड ऑफ सेल, तो उनका सेल्फ एग्जिस्टेंस या इनडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, बात को समझ रहे हैं। तो यहां पर देखिएगा ए बी ई करेक्ट एंड सी एंड डी इनकरेक्ट, तो ध्यान दीजिएगा ए बी ई राइट सी एंड डी रॉन्ग, तो आंसर क्या हो गया सेकंड, इसका सही आंसर हो गया, क्लियर है। तो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर रॉन्ग फॉर वायरस, यहां पर कितने स्टेटमेंट वायरस के लिए रॉन्ग है, तो ध्यान दीजिएगा वायरस कैन मल्टीप्लाई इन एगार एगार मीडियम, बिल्कुल रॉन्ग है भाई, किसी भी माइक्रोबायोलॉजी लैब में या एबायोटिक मीडियम में नॉन लिविंग मीडियम के अंदर वायरस कैन नॉट रेप्लिकेट, वायरस रेप्लिकेट नहीं हो सकता, आउटसाइड ऑफ होस्ट इट इज इनर्ट पार्टिकल, बार बार बोल रहे हैं यस, तो वो रेप्लिकेट नहीं हो सकता, क्लियर, यानी आरटीपीसीआर कल्चर मीडियम में वायरस कैन नॉट बी कल्चर्ड, बिल्कुल सही कहा सर ने, वायरस जो है वो बिना सेल के एक्टिव ही नहीं हो सकता, बिल्कुल, तो फिर जो नॉन लिविंग मीडियम है उसमें वायरस एक्टिव कैसे होगा, वो कैसे डिवीजन कर सकता है, बिल्कुल, तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। वायरस आर नॉट अफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक, तो बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि एंटीबायोटिक आप जानते हैं कि लिविंग सेल पे अफेक्ट करती है, बैक्टीरिया पे अदर पे, तो एंटीबायोटिक वायरस को अफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि सेल स्ट्रक्चर नहीं है, क्लियर। फिर वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, 100% करेक्ट है, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, आप समझ सकते हैं कि अपने होस्ट में ही सर्वाइव कर सकता है और स्पेसिफिक होस्ट होता है वायरस के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि वायरस का ऑब्लिगेट पैरासाइट अविकल्पी परजीवी होता है, सही है, और बहुत अच्छा करेक्टर ही उसका लिविंग करेक्टर को शो करता है। और वायरसेस कॉज डिजीज लाइक इन्फ्लुएंजा एंड मम्स, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल, कोल्ड फ्लू भी आया था और मम्स जो रूबेला वायरस होता है तो ये कॉज करता है। देन एमडब्ल्यू बीजे रिनेक सो दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज, ये रॉन्ग है, स्टाले ने सबसे पहले बताया था, डब्ल्यू एम स्टाले ने फर्स्टली क्रिस्टलाइज किया था, तो फादर ऑफ वायरोलॉजी है, बिल्कुल यस। तो अकॉर्डिंग दिस ए ई रॉन्ग बी सी डी राइट, तो थ्री स्टेटमेंट यहां पर क्या है, वो टू स्टेटमेंट यहां पर क्या है, रॉन्ग है, तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर फोर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल है ना। नेक्स्ट अपन देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर, राइट स्टेटमेंट फॉर विरोइड, विरोइड जो है उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा लिखेंगे अपन यहां पर, T.O. Diner discovered a new infection agent that was larger than virus. देखो बच्चों इसने क्या बोला है कि जो विरोइड है वो विरोइड इस वायरस से बड़ा होता है, ये बच्चों यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है, विरोइड जो है वो वायरस के कंपेरिजन के अंदर साइज में लेस होता है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया। DNA of the विरोइड contain low molecular weight, भाई विरोइड जो है इस विरोइड के अंदर आप कह सकते हो आरएनए होता है, इसमें डीएनए होता ही नहीं है। पेशेंट ने बिल्कुल डिस्कस किया कि भी वायरस जो वायरोइड है फ्री एसएस आरएनए, ओनली फ्री एसएस आरएनए, और जनरली इट हैव लो मॉलिक्यूलर वेट कंपेयर टू अदर आरएनए, यस, तो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। भी जो विरोइड है उसका फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से होता है, विरोइड के अंदर न तो डीएनए है न प्रोटीन नाम की कोई चीज है, वो सिर्फ एसएस आरएनए है। इट इज फाउंड टू बी ए फ्री आरएनए, बिल्कुल करेक्ट, यहां बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसका जो विरोइड है ये फ्री आरएनए से बनता है, ये फ्री आरएनए होता है, ठीक है। इट कंटेन द प्रोटीन कोट दैट इज सिमिलर विद वायरस, नहीं नहीं प्रोटीन का तो मतलब ही नहीं है, ये जो विरोइड है इस विरोइड का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से होता है, प्रोटीन का कोई कोट इस विरोइड के अंदर नहीं होता। बार बार क्वेश्चन आएगा, पूरा टॉपिक ही क्लियर कर देते हैं, बिल्कुल, डिस्कवर्ड बाय टीओ डाइनर, दे आर फ्री एसएस आरएनए एंड फर्स्ट डिस्कवर्ड पीएसटीबी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, और इसका जो आरएनए है उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, ट्यूबर विरोइड, यस बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं कि आंसर विल बी थर्ड, थर्ड, ये एक ही स्टेटमेंट यहां पे सही था, यस, आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच इज नॉट ए सिम्पटम ऑफ वायरल इंफेक्शन, वायरल इंफेक्शन, कौन सा लक्षण पौधों में विषाणु जनित रोगों का नहीं है,
बिल्कुल, तो ड्वार्फिंग एंड स्टन ग्रोथ बिल्कुल है, वायरस जो है उसका कैरेक्टर है, बकायदा एनसीईआरटी की लाइन है ये, मोज़ेक फॉर्मेशन ये भी यहाँ पे वायरस का कैरेक्टर है, टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको के अंदर टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस बिल्कुल, या फिर जो चिली मोज़ेक वायरस है वो चिली में कर देता है, बिल्कुल कर देता है। लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग ये वायरस का है, और देखिए दोबारा आ गया पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर, ये विरोइड से होता है, नहीं कि वायरस से होता है, क्लियर। तो भाई आपसे नोट पूछा है तो आंसर विल बी फोर्थ, ये बिल्कुल यहां से आंसर होगा, हां आंसर विल बी फोर्थ, क्योंकि यहां पर देखो तीनों स्टेटमेंट क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, ठीक है, ये यहां पे बिल्कुल सही है, ये वायरस जो है उसके बारे में नहीं है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। तो वायरॉइड आर स्मॉल सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल हैविंग एसएसडीएनए, रॉन्ग हो गया, बार-बार पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप समझ चुके हैं, एसएसआरएनए होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं होता है, क्लियर। फिर वायरॉइड आर एसएसआरएनए पार्टिकल, करेक्ट है, वायरॉइड वर डिस्कवर्ड बाय टीओ डाइनर, अभी मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं, और पीएसटीडी, यस, पोटैटो स्पिंडल, भाई विरोइड की खोज डाइनर ने की, और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर जो डिजीज होती है विरोइड होता है, क्लियर। और बंची टॉप ऑफ बनाना पोस्ट बाय विरोइड, ये वायरस से होता है, विरोइड से नहीं होता, विरोइड से भी नहीं है, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है इसके अंदर बी और सी क्या हो गए करेक्ट, और ए और डी क्या हो गए रॉन्ग, क्लियर। तो यहाँ से आपसे करेक्ट पूछा ओनली, तो देखिएगा बी और सी करेक्ट, तो आंसर इसका हो गया, आंसर क्या हो गया, थर्ड आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू वायरॉइड, वायरॉइड के संदर्भ में क्या सही है, तो ध्यान दीजिएगा, इट हैज आरएनए एंड प्रोटीन कैप्सोमियर, इसमें आरएनए तथा प्रोटीन कैप्सोमियर होते हैं, क्लियर। और आप समझ सकते हैं कि भी इट, आप समझ सकते हैं कैप्सोमियर पॉसिबल ही नहीं इसके अंदर, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, विरोइड के अंदर सिर्फ आरएनए होता है, प्रोटीन कैप्सोमियर होता है, आरएनए बार बार कांसेप्ट क्लियर हो रहा है, इट हैज डीएनए एंड प्रोटीन कैप्सोमियर, तो डीएनए और प्रोटीन कैप्सोमियर पॉसिबल ही नहीं है, ना तो डीएनए ना प्रोटीन कैप्सोमियर दोनों नहीं होते, सारे अपन डिस्कस कर, ये सिर्फ एसएसआरएनए से बनता है, it has RNA but lack of protein capsomere, तो it has RNA lack of protein capsomere, correct है, it has DNA but lack of protein capsomere, DNA होते हैं लेकिन protein capsomere absent होते हैं, भाई ये तो क्या हो गया, wrong statement, wrong हो गया, DNA आने की वजह से wrong हो गया ये, तो answer क्या हो गया, third, इसका बिल्कुल सही answer, answer will be third, क्योंकि जो बच्चों विरोइड है, देखो आप देख रहे हो विरोइड के बारे में बार बार जो सर ने चार पांच लाइनें बताई है, बस उसी से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। विरोइड के अंदर आप बिल्कुल ध्यान रखना, इसकी डिस्कवरी की थी टीओ टाइनर ने, और जब वो डिस्कवरी कर रहा था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज के बारे में, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आप देखिएगा बेटा, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर राइट फॉर सेंटेंस कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम, भाई संक्रामक जीवित तरल के लिए कितने खत्म सही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये किस साइंटिस्ट ने दिया, बिल्कुल है ना, तो एमडब्ल्यू किया किसको आइसोलेट किया, किसको बिलीव किया, सेल सैप को, कोशिका रस को, तो लिविंग सेल थी, तो इनसाइड होस्ट, आप समझ सकते हैं कि वायरस भी वहां लिविंग की तरह बिहेव कर रहा था, बिल्कुल सही। अभी सेल सैप को उन्होंने हेल्थी टोबैको प्लांट का मीन होता है स्वस्थ पौधा था, तो हेल्थी टोबैको प्लांट के जैसे ही सेल सैप को उन्होंने टच किया, तो सेम होस्ट है और इस समय वो लिविंग कंडीशन में, तो उसको भी उसने क्या कर दिया, इन्फेक्टेड कर दिया, हेल्थी टोबैको प्लांट को भी क्या कर दिया, इन्फेक्टेड। इस सेल सैप को उन्होंने क्या बोला, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, तो यहां संक्रामक है कॉन्टेजियम का मतलब, वाइवम का मतलब लिविंग, इन्फेक्शियस मटेरियल, यस। तो आप समझ सकते हैं कि यहां देखिएगा इट्स मीन इज इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, बिल्कुल करेक्ट है, संक्रामक जीवित तरल है, प्रपोज बाय एमडब्ल्यू बिजेलिनेक, बिल्कुल करेक्ट है, इट ट्रम वाइवम रिप्रेजेंट लिविंग नेचर, करेक्ट है, इट रिप्रेजेंट बैक्टीरिया इन्फेक्शन, रॉन्ग, बैक्टीरिया नहीं है तो वायरस का इन्फेक्शन, बिल्कुल, इट डेमोस्ट्रेटेड बाय डब्ल्यू एम स्टानले, रॉन्ग है, क्योंकि स्टानले तो फर्स्ट क्रिस्टलाइज द वायरस, क्रिस्टलीकरण नेचर उसने दी थी, क्रिस्टलीकरण प्रकृति दी थी, तो यहां पर ए बी सी आंसर विल बी फोर, और इसका सही आंसर बिल्कुल।
नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, सेलेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर गिवन बिलो, टीओ डाइनर वायरस। टीओ डाइनर जो है उन्होंने डिस्कवरी की थी विरोइड की, नए की डिस्कवरी की थी वायरस की, तो साहब यहां पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो रॉन्ग हो गया। इवानोवस्की, इसका पूरा नाम था डीजे इवानोवस्की, बिल्कुल। तो इवानोवस्की जो है उसमें दे रखा है प्रियोन, नहीं यहाँ पे प्रियोन नहीं आएगा, क्योंकि जो प्रियोन है उसकी डिस्कवरी आप यहाँ पे कह सकते हो डीजे इवानोवस्की ने नहीं की थी, क्रिस्टल ने की थी, और जो इवानोवस्की है उसने डिस्कवरी की थी आप यहाँ पे कह सकते हो वायरस जो है उसके बारे में उसने इंफॉर्मेशन दी थी। वायरस टर्म तो किसने दी? पाश्चर ने दी थी, और डीजे इवानोवस्की ने डिस्कवरी की, और प्रियोन पुश्नर ने अपने टर्म, पुश्नर है उसने सबसे पहले प्रियोन की डिस्कवरी की थी, और जो वायरस है इसकी सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी आप कह सकते हो डीजे इवानोवस्की ने की थी। डब्ल्यू एम स्टैनले, वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड, ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। सबसे पहले डब्ल्यू एम स्टैनले जो है उन्होंने बताया था कि हम लोग वायरस का क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। बिल्कुल, क्यों कर सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन? क्योंकि इनर्ट पार्टिकल, इनर्ट पार्टिकल आउटसाइड ऑफ सेल, इसके केवल क्रिस्टल्स, जो लार्ज क्रिस्टल प्रोटीन, अगर आप इसको प्लांट से बाहर निकालो इसका मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में है। अब ये इनर्ट है, अब ये इनएक्टिव है, ये सिर्फ क्रिस्टल के फॉर्म में। और फोर्थ आपका रॉन्ग यहां पर है, एल्पर विरोड नहीं, यहां पर रॉन्ग है। विरोड जो है उसके बारे में एल्पर ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, बल्कि इन्फॉर्मेशन दी थी टीओ डाइनर। टीओ डाइनर तो यहां पर करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। आगे अपन यहां पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर राइट फॉर वायरस, नो एनी वन वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। बिल्कुल यहां पर सही स्टेटमेंट है, भी वायरस जो है उसमें चारों तरफ प्रोटीन तो होती है, लेकिन अब उस वायरस के अंदर क्या होगा? तो वायरस के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों में से एक ही यहां पर जेनेटिक मटेरियल वायरस के अंदर होगा, दोनों कभी साथ नहीं हो सकते। तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट अपन इसको सही मान लेंगे, बिल्कुल, ए वायरस कंटेन न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कैप्सिड, बिल्कुल यहां पे सही बात है। वायरस जो है उस वायरस के अंदर प्रोटीन कैप्सिड होता है, प्रोटीन का कोट होता है, उसके अंदर क्या होता है न्यूक्लिक एसिड भी होता है। सब यूनिट्स ऑफ कैप्सिड और कैप्सोमियर, कैप्सोमियर बिल्कुल भाई, जो वायरस का प्रोटीन का कोट है उसको हम लोग कह देते हैं कैप्सिड, और कैप्सिड जिस यूनिट से बनता है उसे हम लोग बोलते हैं कैप्सोमियर। बिल्कुल यहां पर सही स्टेटमेंट है। वायरस आर अफेक्टेड बाय एंटीबायोटिक, अभी सर ने बताया था आपको जो वायरस है वो एंटीबायोटिक से इन्फेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो तो इनर्ट पार्टिकल है, बिल्कुल वो तो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। वायरसेस आर मल्टीप्लाई इन नॉन लिविंग मीडियम, आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वायरस तो एक्टिव ही तब होगा जब उसके पास में लिविंग सेल होगी, तो नॉन लिविंग में वो एक्टिव ही नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पे इसने पूछा है कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट है, तो एक दो तीन, यहाँ पे थ्री स्टेटमेंट जो बिल्कुल क्या है यहाँ पर सही है, आंसर यहाँ पे आंसर हो गया आंसर फोर जिसमें क्लियर तीन है। ओके, नेक्स्ट आप देखिएगा, आगे अपन यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11, टेल फाइबर ऑफ बैक्टीरियोफेज मेड अप ऑफ प्रोटीन व्हिच प्रिपेयर्ड इन। तो आप समझ सकते हैं कि जब बैक्टीरियोफेज, देखो ध्यान दीजिएगा, प्लांट दैट इन्फेक्ट, सॉरी वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स फाइटोफेजिन, वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल सेल जूफेजिन, एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेज। तो जैसे ही बैक्टीरिया सेल पे आप समझ सकते हैं कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस इन्फेक्ट करता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद उसका डीएनए ट्रांसफर हो जाएगा सेल के अंदर, और डीएनए उसकी मशीनरी को अपने होल्ड कर लेगा, और फिर जो भी वायरस के टेल फाइबर या जो भी हेड जो भी कुछ बनेगा वो होस्ट सेल के इनसाइड ही बनेगा। बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं कि साइटोप्लाज्म बैक्टीरियोफेज नहीं, साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया, बिल्कुल होस्ट सेल बैक्टीरिया है ना, तो साइटोप्लाज्म बैक्टीरिया, तो करेक्ट। मीडियम कंटेन C4 रेडियोएक्टिव, इसका मतलब नहीं है, मीडियम कंटेन P32 रेडियोएक्टिव कोई मीन नहीं है। तो आप समझ सकते हैं वहां जब डीएनए को जेनेटिक मटेरियल में प्रूव किया था, आप समझ सकते हैं हर्षे चेज ने तब वो यूज किया था वहां पे, तो आप समझ रहे बेटा कि यहां आपका आंसर विल बी सेकंड, आंसर आपका क्या हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग गिवन डायग्राम, दिए गए चित्र के अनुसार कितने खत्म सही हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इट कंटेन डबल स्टैंडर्ड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, ये आप समझ सकते हो टोबैको मोज़ेक वायरस है, जिसमें हेलिकली अरेंज्ड ये SS RNA है, प्लांट वायरस जनरली हैव SS RNA, और ये कैप्सिड है, ये कैप्सिड प्रोटीन कोट, ये कैप्सोमियर है, यूनिट क्या है कैप्सोमियर,
ये पूरा यहाँ पर कैप्सिड है और ये आप यहाँ बहुत सारे कैप्सोमियर देख रहे हो। बिल्कुल, उसके अंदर आप जानते हैं कि ऐसे हेलिकली अलाउंड ये जेनेटिक मटेरियल होता है, ऐसे आपकी कैप्सोमियर होती है, कैप्सोमियर। क्लियर? बिल्कुल। आप टोटल 130 हेलिक्स आपके होते हैं। क्लियर? तो आप समझे कि इट कंटेन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, रॉन्ग। इट कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड कैप्सिड, राइट। इन इनफैक्ट मोनोकोट प्लांट, रॉन्ग, क्योंकि टोबेको प्लांट डाइकोट है, डाइकोट है, तो डाइकोट प्लांट को करेगा तो रॉन्ग हो गया। और इसकी इट रिप्रेजेंट लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, कर सकता है क्योंकि होस्ट में लिविंग करेगा और आउटसाइड नॉन लिविंग। इट इज ए प्लांट वायरस और फाइटोफेजिन, बिल्कुल करेक्ट है। तो आप समझ सकते हैं बी डी ई, कितने स्टेटमेंट करेक्ट हुए? तीन स्टेटमेंट। आंसर विल बी फर्स्ट वर्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट सैप्रोफाइटिक नेचर। तो यहां पे आपका आ गया है मर्तोपजीव। भाई वायरस तो अपने आप में ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। प्लस में न्यूट्रिशन कहां से होगा? हां, साइनोबैक्टीरिया एंड फंजाई। तो साइनोबैक्टीरिया तो फोटोसिंथेटिक है, प्रकाश संश्लेषी है, बिल्कुल ऑक्सीप्रकाश संश्लेषी, बिल्कुल, बात को समझ रहे हैं। और फंजाई एंड सम बैक्टीरिया, बिल्कुल है कि मोस्ट ऑफ फंजाई, सारे फंजाई भी नहीं होते लेकिन मोस्ट ऑफ फंजाई जो मशरूम है, बिल्कुल, या एग्रीकल्चर जो भी एडिबल फंजाई होते हैं, या जैसे पेनिसिलियम है, ये आप जानते हैं कि क्या होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया भी सैप्रोफाइट होते हैं। तो आंसर विल बी थर्ड। वायरस फिर आ गया, तो ये रॉन्ग आपका हो गया, आंसर आपका क्या हो गया? थर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिएगा बेटा, सेलेक्ट राइट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर गिवन फिगर। दिए गए चित्रों के आधार पर सही और गलत कथनों का आपको चुनाव। सबसे पहले बताना चाहूंगा मैं आपको, ये जो बच्चों डायग्राम है अभी सर ने बताया था, ये यहाँ पे टीएमवी का डायग्राम है, वायरस का डायग्राम है, ये यहाँ पर एक बैक्टीरियोफेज है जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, बिल्कुल सही सर, सही कहा। बोथ फिगर रिप्रेजेंट सिमिलर जीनोम, गलत, क्योंकि इसमें आपने बताया था एसएसआरएनए, और जनरली आपने पहले डिस्कस कर लिया था कि इसमें आपका जो होता है डीएसडीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो आप समझ सकते हैं डीएसडीएनए, सही। अब आप ध्यान दीजिएगा कि बोथ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। Both perform infection on eukaryotic organism. ये यहाँ पे wrong हो गया। ये wrong हो गया। क्यों? ये eukaryote को करता है plant को, tobacco plant को, solanaceae family के member को। ये तो bacteria को करता है। Bacteria को। Bacteria prokaryotic हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और आप समझ सकते हैं तो A और आप जानते हैं C wrong हो गया। और फिर आप देखिएगा यहाँ पर D. One figure contains single stranded genome and another figure contains double stranded genome. बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो A और C रॉन्ग हो गए, और आप जानते हैं बेटा बी और डी राइट हो गए, तो बी डी और ई, सर ई यहां पर बता दीजिए, बोथ आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। तो बी डी ई राइट राइट है, और बाकी आप समझ सकते हैं ए तथा सी क्या है, गलत गलत। हाँ बच्चों, आगे देखते हैं अपन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। मार्क द करेक्ट मैच बैक्टीरिया एंड इट्स इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ब्रेड फॉर्मेशन, नहीं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है जो मिल्क को कर्ड में चेंज करेगा। ब्रेड का फॉर्मेशन जो है वो यीस्ट करता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविस। क्योरिंग ऑफ लीफ सिफिलोसोरस, नहीं है यहाँ पे गलत है, जो सिफिलोसोरस है वो तो यहाँ पर एक एल्गी हो गया, सिफिलोसोरस तो बेटा ग्रीन एल्गी है, लेकिन वो एक हेटरोट्रॉपिक एल्गी है एक्सेप्शनली, जो टी और कॉफी में रेड रस्ट डिजीज करता है, रेड रस्ट और वो आप जानते हैं केमिकल का ऑक्सीडेशन कर रहा है, ऑप्टेन एनर्जी को यूज कर रहा है, तो कीमोटोट्रॉपिक, कीमोटोट्रॉपिक ही होगा, ऑटोट्रॉपिक ये यहां पे सही जो है आंसर हो गया, आंसर विल बी 4। आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। माइकोप्लाज्मा इज नॉट अफेक्टेड बाई पेनिसिलिन ड्यू टू। बच्चों पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक है जो कि सेल वॉल जो होती है उस सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा जो है उस माइकोप्लाज्मा के अंदर तो सेल वॉल होती नहीं है, इसका मतलब माइकोप्लाज्मा जो है उसको इस पेनिसिलिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके पास तो पहले से सेल वॉल नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पे साफ साफ आंसर क्या आ गया, सेकंड यहाँ पे आपको सर की बात कहता हूँ कि जैसे बैक्टीरिया में जो पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है उसमें एन एसिटिल्यूरिक एसिड फिर ग्लूकोसामिन ये अल्टरनेट होते हैं, NAGNM अल्टरनेट, इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर? और आप समझ सकते हैं कि फिर जो टेट्रापेप्टाइड बॉन्ड होते हैं नाम से जुड़ते हैं, तो इनके बीच में आप समझ सकते हैं कि क्रॉस लिंकिंग होती है, क्रॉस लिंकिंग, वो ट्रांसपेप्टाइडेज उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसके ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को
ये इनहिबिट करता है क्या पेनिसिलिन, तो बैक्टीरिया पर तो अटैक करता है लेकिन माइक्रोप्लाज्मा में सेलवॉल ही नहीं है तो उस पर अटैक नहीं करेगा क्योंकि इसका जो टारगेट है वो सेलवॉल ही होता है और माइक्रोप्लाज्मा के अंदर सेलवॉल होता नहीं है। चरम लवणीय क्षेत्रों में रहते हैं, ये जो बच्चों बात है बिल्कुल यहाँ पे हेलोफिल के लिए है, हेलोफिल जो है वो बिल्कुल साल्ट एरिया में होता है और इसमें जो यहाँ पर स्पेशल पिगमेंट है बताना चाहूंगा मैं आपको, ये बैक्टेरियोडॉप्सिन है, ये क्या करता है सनलाइट जो है उसको सीधा एब्जॉर्ब करता है और ये जो पिगमेंट है वो प्रोटोन पंप की तरह काम करता है जो वहां पर एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, वहां पर एटीपी का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर हेलोफिल्स में क्या होता है मेम्ब्रेन में बैक्टेरियोडॉप्सिन है, डायरेक्ट सनलाइट को लेकर डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन करता है लेकिन उस एटीपी को ये अपने न्यूट्रिशन में यूज नहीं करता है, ये वैसे हेटरोट्रॉफिक है। तो ये आप जानते हैं कि हेलोफिल्स होते हैं लवणरागी आपके होते हैं, आंसर विल बी फर्स्ट। थर्मोसेटोफिल जो है वो हाई टेम्परेचर पे होता है, वो सोल्ट एरिया में नहीं होता। मिथेनोजन जो है आप कह सकते हो रुमिनेंट एनिमल्स जो उनकी गट्स में होता है, यहां पर मार्स रीजन में होता है बिल्कुल। साइनोबैक्टीरिया यहां पर जो है ये आप कह सकते हो एक तरीके से मोस्ट एरिया के अंदर होता है, है ना। अब आप आंसर विल बी फर्स्ट, इसका सही आंसर है। हां तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18, given below is the diagram of filamentous blue-green algae in which of the following option 1 for two parts labeled as A and B correctly identified, कि नीचे दिए गए चित्र में जो तंतु में नील हरी सिवाल का आरेख है इसमें किसी विकल्प में 1 से 4 A और B के रूप में लेबल किए गए दो सो को सही ढंग से आपको पहचानना है। तो ध्यान दीजिए बेटा कि मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो blue-green algae है और blue-green algae के अंदर जो फिलामेंटस फॉर्म होती है, तो फिलामेंटस फॉर्म में सर आप समझ सकते हैं भाई इसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो ऐसे अटैच होती हैं और आप बताओ उस पर कवरिंग किसकी होती है, यहाँ पे म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, म्यूसिलेज की और म्यूसिलेज की कवरिंग इसलिए होती है ताकि उसको मॉइस्चर मिलता रहे, बिल्कुल ड्राई नहीं हो, एक्वाटिक भी है, एक्वाटिक भी है। अब बीच बीच में इसमें क्या देखो कि जो सेल्स होती हैं वो थिक वॉल्ड सेल आ जाती हैं, ये आपकी है हेटेरोसिस्ट सेल है। तो बताओ हेटेरोसिस्ट का फंक्शन, हेटेरोसिस्ट सेल में नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है जिससे नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकती है, निफजीन होती है नाइट्रोजिनेज एंजाइम तो वो N2 फिक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है और ये हेटरोट्रॉफिक सेल्स होती है, इनमें पीएस सेकंड एब्सेंट होता है तो एटीपी तो फॉर्म होती है लेकिन वाटर का फर्टिलाइज O2 ही नहीं होती है क्योंकि नाइट्रोजिनेज O2 के एब्सेंस में वर्क करता है। अब और पीएस सेकंड यहां पे है नहीं तो O2 वैसे निकलती नहीं है, बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं कि यहां पर आप देखिए कि ए एक इसको शो कर रहा है म्यूसिलेज की शिको शो कर रहा है और बी किसको हेटरोसिस्ट सेल को शो कर रहा है। अब अपन ऑप्शंस में देखते हैं तो ए सेल मेम्ब्रेन, बी हेटरोसिस्ट, ए सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा, ए म्यूसिलेजिनस शीथ, बी हेटरोसिस्ट, बिल्कुल करेक्ट है, ए म्यूसिलेजिनस शीथ एंड बी हेटरोसिस्ट नोस्टॉक, क्लियर। और ये नोस्टॉक का डायग्राम है आप समझ रहे हैं, ए सेल वॉल एंड बी स्पोर, ये नहीं हो सकता, फोर म्यूसिलेजिनस शीथ एंड हेटरोसिस्ट ऑफ ऑल साइनोबैक्टीरिया, ऑल साइनोबैक्टीरिया से गलत हो गया, गलत हो गया क्योंकि सभी साइनोबैक्टीरिया जैसे स्पाइरुलिना है, हां तो स्पाइरुलिना क्या है यूनिसेलुलर फॉर्म, उसमें हेटरोसिस्ट पॉसिबल नहीं है, नोस्टॉक एनाबिना में ये पॉसिबल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी सेकंड आंसर आप इसका हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग, आदि जीवाणु अन्य जीवाणु से भिन्न होते हैं, क्लियर। तो आप समझ गए आर्कियो बैक्टीरिया क्या होते हैं कि देखो जो थ्री डोमेन सिस्टम था सिक्स किंगडम थ्योरी उसमें जो थ्री डोमेन बनाए थे आर्किया बैक्टीरिया और यूरेथ, तो मोनेरा को दो ग्रुप में डिवाइड किया कि आर्कियो बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरियम बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया। तो आर्कियो बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन प्रेजेंस ऑफ या अपन बात करें कि केमिकल नेचर ऑफ सेल एनवेलप, एनवेलप सेल एनवेलप में वो उससे डिफर है और सेल एनवेलप के अंदर भी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों में डिफरेंट है। आप समझिए कि सेल एनवेलप भाई एक आवरण है उसमें दो परतें हैं सेल वॉल, तो सेल वॉल में तो 100% आप जानते हैं कि बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनती है बैक्टीरिया में तो मेनली पेप्टिडोग्लाइकेन, लेकिन आर्किया बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड से बनती है जिसको स्यूडोमोनस भी कहते हैं, स्यूडो, हां तो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड की आपकी होती है सेल वॉल ऑफ आर्किया बैक्टीरिया। अब सेल मेम्ब्रेन की बात, इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें भी आप समझ सकते हो कि लिपिड ब्रांच्ड है, ब्रांच लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं बिल्कुल, जो स्पेशली आर्की बैक्टीरिया में है और यू बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी ये थोड़े से मतलब डिफरेंट है, तो लिपिड ब्रांच्ड है ना, ब्रांच मॉलिक्यूल है। और सीबीएसई 2014 में एपीएमटी 2014 में क्वेश्चन भी आया था कि भाई आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया, तो वहां सेल वॉल ऑप्शन में नहीं था तो दूसरा ऑप्शन क्या गया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चला गया क्योंकि प्लाज्मा में लिपिड ब्रांच्ड मॉलिक्यूल कंडीशन में था, बाकी तो दोनों डिफरेंस है, सेल वॉल भी डिफरेंट है, सेल मेम्ब्रेन भी डिफरेंट है। तो यहां देखिएगा 70S राइबोसोम,
दोनों में होते हैं तो न्यूक्लियोइड दोनों में होता है हां नहीं होगा डिफरेंट सेल बिल्कुल ये यहां पर करेक्ट आंसर है इसका और प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म तो दोनों में ही दोनों में होता है मतलब ठीक है तो ये आप समझ सकते हैं कि आर्कियोबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग तो सेल एनवलप में है और वो सेल वॉल मेनली हो बिल्कुल क्लियर नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 आर्कियोबैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स सच एज थर्मो एसिडोफिल्स कैन लिव इन आर्कियोबैक्टीरिया के सर तीन टाइप होते हैं एक यहां पे होते हैं मेथनोजन हेलोफिल और यहाँ पे होते हैं थर्मो एसिडोफिल तो यहाँ पे थर्मो एसिडोफिल की इसने बात की है तो थर्मो एसिडोफिल जो है वो पाए जाते हैं उस एरिया में जहाँ पे वेरी हाई टेम्परेचर होता है जैसे कि हॉट स्प्रिंग तो सर थर्मो एसिडोफिल जो है उसका यहाँ पे हॉट स्प्रिंग हो गया आप जानते हैं कि हॉट स्प्रिंग की पीएच लगभग 2 काफी और होती है बिल्कुल मतलब टेम्परेचर मोर देन 80 डिग्री है ना जो हॉट स्प्रिंग होते हैं तो टेम्परेचर मोर देन 80 डिग्री सेंटीग्रेड क्लियर तो थर्मल स्प्रिंग में या हॉट स्प्रिंग में या डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट में बिल्कुल आपके होते हैं क्या भाई जो थर्मो एसिडोफिल्स वैसे सारे आर्कियोबैक्टीरिया एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में एक्सट्रीम हैबिटेट्स में होते हैं जैसे कि साल्टी रीजन में हेलोपी और आप समझे कि मार्श एरिया में मेथनोजन होते हैं ये आप समझ रहे हैं तो क्वेश्चन का आंसर आपका सेकंड हो गया सही आंसर 2 हो गया बिल्कुल नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ लिविंग फॉसिल लिविंग फॉसिल का ग्रुप यहां पे कौन सा है फंजाई आर्कियोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा तो आर्कियोबैक्टीरिया जो है वो सबसे पहले डेवलप होने वाले बैक्टीरिया थे सबसे पहले अर्थ पर डेवलपमेंट ही आर्कियोबैक्टीरिया का हुआ था तो ये लिविंग फॉसिल है लिविंग क्यों क्योंकि आज भी मेंटेन है बिल्कुल फॉसिल क्यों बहुत पुराने हैं भाई अर्थ प्लेनेट के ऊपर सबसे पहले कोई अगर लिविंग ग्रुप अपीयर्ड हुआ सबसे पहले कोई जीवित कोशिका अपीयर हुई फिर हुई तो कौन थे आर्कियोबैक्टीरिया थे अच्छा इनको अपन क्या कहते हैं द ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल अब ये सुपरलेटिव डिग्री इनसे पुराना कुछ नहीं ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल तो ये ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स हैं ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल आर्कियोबैक्टीरिया और द मोस्ट एंशियंस बिल्कुल बैक्टीरिया यानी सबसे प्राचीनतम जीवों का ये समूह इनसे प्राचीनतम कोई ऑर्गेनिज्म नहीं और बहुत सारे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं हाई टेंपरेचर पे एसिडिक पीएच पे मार्सी रीजन पे एनारबिक कंडीशन में ये हर तरह से भी जहां पे दूसरे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर ही नहीं सकते वहां पर ये सर्वाइव कर सकते कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप इनका होता है तो आंसर विल बी हेल्प सेकंड आंसर आपका क्या हो जाएगा सेकंड इसका सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 साइनोबैक्टीरिया इज सिमिलर to other monerans in the presence of flagellum, double-stranded DNA, chemosynthesis या chlorophyll. तो देखो बच्चों, flagella जो है वो cyanobacteria में कभी नहीं होता. कभी नहीं होता. तो ये तो आंसर हो नहीं सकता. double-stranded DNA की अगर आप बात करो, तो double-stranded DNA जो है वो cyanobacteria के अंदर भी होता है और जो bacteria वगैरह है उनके अंदर भी होता है. तो यहाँ पे सही आंसर चला गया. double-stranded DNA. chlorophyll cyanobacteria में होता है, पर other bacteria वगैरह में नहीं होता. ठीक है. और जो कीमोसिंथेसिस है ये सारे बैक्टीरिया का कैरेक्टर नहीं है साइनोबैक्टीरिया होता है ऑटोट्रोपिक ऑटोट्रोपिक और जो कीमोसिंथेसिस है ये अदर मोनेरन्स का कैरेक्टर है तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो चला गया अपने पास में सेकंड आंसर भाई सीधी सी बात है कि साइनोबैक्टीरिया कंप्लीटली फोटोसिंथेटिक ग्रुप अर्थ के ऊपर बिल्कुल और ऑक्सी फोटोसिंथेटिक तो कीमोसिंथेसिस तो रिलेट ही नहीं होगा कि बैक्टीरिया में हो सकता है कीमोसिंथेटिक यस इसके अलावा अपन बात करें कि साइनोबैक्टीरिया और रेड एल्गी की लाइफ साइकिल में कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर कभी नहीं है तो ये दोनों तो साइनोबैक्टीरिया में पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल अब बात आई यहाँ पे डीएसडीएनए और क्लोरोफिल के अंदर तो भाई क्लोरोफिल तो कुछ जो ट्रू क्लोरोफिल है वो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया उनके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है ट्रू क्लोरोफिल ओनली किसमें होता है साइनोबैक्टीरिया में अब आपसे पूछा सिमिलरिटी तो सिमिलरिटी के अंदर आपका क्या आ गया डीएसडीएनए आ गया एक बात से मुझे और याद आया हाँ कि क्वेश्चन आता है कि भाई अर्थ के एनवायरनमेंट को सबसे पहले ऑक्सीजन युक्त किसने बनाया हाँ, तो अपना साइनोबैक्टीरिया और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जो होता है प्रोकैरियोट का कैरेक्टर होता है बिल्कुल हाँ तो वो प्रोकैरियोट का जो कैरेक्टर होगा वो आप समझ सकते हैं कि बैक्टीरिया एक ऐसे है कि बैक्टीरिया मोस्ट ऑफ हेटरोट्रॉफिक है बिल्कुल और कुछ बैक्टीरिया क्या है ऑटोट्रॉफिक अच्छा ऑटोट्रॉफ में भी सम में भी फोटोट्रॉफ और सम में भी फोटोट्रॉफ या तो रसायन स्वपोषी हो सकते हैं या प्रकाश स्वपोषी
अच्छा ये अर्थ पे केवल बैक्टीरिया में है, इसलिए मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी ऑन द अर्थ बैक्टीरिया, सबसे ज्यादा उपापचयी विविधता। एग्जाम में आपका क्वेश्चन आंसर ये बिल्कुल सीबीएसई 12 के अंदर आपका एक क्वेश्चन आया था, है ना। अब आप सब ध्यान दीजिए, ये अपन बात करें कि ये अपन इस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो देखिएगा कि भाई जो केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे स्पेशली वो किसी केमिकल का ऑक्सीडेशन करते हैं, जैसे सल्फर बैक्टीरिया है, तो ये H2 और प्लस S, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया, इस ऑक्सीडेशन में क्या रिलीज होगी, एनर्जी। तो ये ऑक्सीडेशन में रिलीज एनर्जी को सुगर सिंथेसिस में यूज कर लेते हैं, जो इनऑर्गेनिक CO2 H2O से सुगर सिंथेसिस में उसको यूज करते हैं। ऐसे जैसे आप समझ सकते हो कि जो नाइट्रोसोमोनास है, तो अमोनिया को अपन कहें कि NH3, अमोनिया को पहले नाइट्राइट में और नाइट्राइट फिर नाइट्रेट में, तो यहाँ नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोबैक्टर, ये कीमोनोट्रोप होते हैं, इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको सुगर सिंथेसिस में यूज करेंगे। तो मोस्टली आप समझ सकते हैं कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करते हैं, बिल्कुल सही बात। आप देखो कि भी ऑक्सीजेनिक फूड प्रोडक्शन मतलब ऐसा नहीं है, ATP प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी नहीं, क्योंकि कीमोसिंथेटिक है, ये तो ऑक्सीडेशन से एनर्जी लेते हैं, सनलाइट का कोई मतलब ही नहीं है। रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट बिल्कुल करेक्ट है, रिडक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक की कोई डिकम्पोजर तो है नहीं कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, यानी विभिन्न कार्बन पदार्थों का अपचयन करेंगे, क्योंकि उनको ब्रेक नहीं करते, इनऑर्गेनिक का ऑक्सीडेशन करते हैं, हाँ वो मोस्टली इनऑर्गेनिक का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, इसका सही आंसर बैठ जाएगा, सही आंसर आपका क्या है, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 25, एमाइटोटिक सेल डिवीजन, एब्सेंस ऑफ 9+2 ऑर्गेनाइज्ड इन फ्लैजिला एंड पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल आर फीचर रिलेटेड टू किंगडम। तो अपन समझ सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल में होता है, बैक्टीरिया के सेल वॉल में होता है, म्यूकोपेप्टाइड किस में होता है, बैक्टीरिया के सेल वॉल में, बैक्टीरियल सेल वॉल में होता है, क्लियर। और नॉन सेलुलोजिक है, और बैक्टीरियल सेल में कॉम्प्लेक्स जो मटेरियल होता है। उसके पश्चात अपन देखते हैं कि भी जो एमाइटोटिक, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियर एनालॉग नहीं है, स्टोन प्रोटीन नहीं है, तो ऑर्गेनाइज्ड क्रोमोसोम नहीं है। अब ऑर्गेनाइज्ड संगठित गुणसूत्र नहीं है, तो माइटोसिस मियोसिस पॉसिबल सीधा एक सेल से दो सेल बन जाता है, बिल्कुल, वहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल नहीं है और माइटोसिस मियोसिस भी पॉसिबल नहीं है, दोनों पॉसिबल, तो वहां अनइक्वल डिवीजन होता है, एमाइटोटिक डिवीजन, बिल्कुल एमाइटोटिक डिवीजन सीधा एक सेल से दो सेल बन जाता है, बिल्कुल। बैक्टीरिया में जो सरफेस आउटर ग्रोथ होती है, तो बैक्टीरिया में सरफेस आउटर ग्रोथ होती है 3, फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइटोप्लाज्मिक उनके अंदर आउटर ग्रोथ है, तो फर्स्ट आपके आउटर ग्रोथ होती है फ्लैजिला, जैसे अपन बात करें कि पिलाई और फिम्बरी होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप जानते हैं मोमेंट किसका फंक्शन है, फ्लैजिला का फंक्शन मोमेंट करना, हाँ, तो फ्लैजिला का फंक्शन है। फ्लैजिला के अंदर आप समझ सकते हैं कि भाई ये ऐसे फ्लैजिला में 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट और हुक और बेसल बॉडी, और बेसल बॉडी मेन पार्ट इसका फिलामेंट है, फिलामेंट जो कि फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना है, जो मोनोमर होते हैं वो फ्लैजिलिन प्रोटीन के, उसके अंदर जो फ्लैजिलिन प्रोटीन का अरेंजमेंट है 4+4 है, बिल्कुल, जबकि ये जो 9+2 माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये सूक्ष्म नलिका संगठन, ये तो ओनली एंड ओनली किस में, यूकेरियोटिक में, क्योंकि सूक्ष्म नलिकाएं साइटोस्केलेटन या सेंट्रियोल ओनली एंड ओनली किस में, यूकेरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोट में होता ही नहीं, प्रोकैरियोटिक में ट्यूबुलिन प्रोटीन ही नहीं होती, सारे कैरेक्टर प्रोकैरियोट के हैं, और प्रोकैरियोट ऑर्गेनाइजेशन को अपन कहां इंक्लूड करते हैं, मोनेरा में इंक्लूड करते हैं, तो सही आंसर इसका थर्ड हो जाएगा, आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26, इन ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट द माइस वाज एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव बट इट डेड व्हेन इट वाज इंजेक्टेड विद, तो अपने को पता था बच्चों, जैसे अपने पास में इस तरीके से माउस जो है उसका यूज किया गया था, और इस माउस के अंदर जब आप कह सकते हो 8 सेकंड जो कि नॉन वायरुलेंट था, जिससे डिजीज नहीं होती थी, जब इसके साथ में हीट किल्ड, जब यहाँ पे हीट किल्ड मतलब ताप से मृत S3 को डाल दिया था, तो S3 डिजीज करने वाला था, लेकिन वो हीट किल्ड था जिससे वो डिजीज नहीं कर सकता था, लेकिन फिर क्या हुआ कि हीट किल्ड S3 जो है उसमें से एक फैक्टर था जो 8 सेकंड में चला गया, और इस 8 सेकंड को चेंज कर दिया था S3 के अंदर, इसे कहा गया था सर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, बिल्कुल, जिससे जो माउस है उसकी फिर क्या हो गई थी, माउस की डेथ हो गई थी भाई, इसके ब्लड में फिर S फॉर्म मिली। देखो ये फ्रेडरिक ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है ट्रांसफॉर्मेशन, ये एमडी 2014 में 2014 में ये क्वेश्चन आया, बिल्कुल आया। आप समझ सकते हैं भी इसमें जो, जैसे अपन बात करते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर भी मैंने आपको बताया सेल एनवलप, तो सबसे आउटर मोस्ट जो सेल एनवलप होता है वो होता है ग्लाइकोकैलिक्स, बिल्कुल, जो ऑल बैक्टीरिया में नहीं होता लेकिन ऑलमोस्ट में होता है ग्लाइकोकैलिक्स, फिर होती है सेल वॉल, सभी बैक्टीरिया में होती है सेल वॉल, फिर आपका होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सेल एनवलप कोशिका आवरण एक है, बट इट कंसिस्ट
टाइटली थ्री बाउंडेड लेयर, थ्री बाउंडेड लेकिन उस कोशिका में तीन दृढ़ता से बंधित परत होती है और तीन लेयर में ग्लाइकोकैलिक्स सेलवाल सबसे अंदर प्लाज्मा में। ये ग्लाइकोकैलिक्स के भी दो प्रारूप है, कुछ बैक्टीरिया में तो ये ढीले अच्छद है स्लाइम स्लाइम लेयर स्लाइम लेयर, कुछ में काफी टाइट होते हैं, कुछ में ये टाइट होता है, उसको आप कहते हैं कैप्सूल। अब आप जानते हैं कि जैसे कैप्सूल कैप्सूल आपकी थिक होती है, थोड़ी हार्ड होती है, बिल्कुल। अब बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन बनते हैं कैप्सूल के बेसिस पे, जो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है वो तो रफ आर सेकेंड आर सेकेंड, ये तो आप जानते हैं कि नॉन विरुलेंट या नॉन पैथोजेनिक, इनसे निमोनिया नहीं हो सकता, बिल्कुल। और जो एस फोम बनी तो आपका होता है विरुलेंट और पैथोजेनिक। तो ये न्यूमोकोकस न्यूमोनी, एक बैक्टीरिया था न्यूमोकोकस न्यूमोनी, इसके दो स्ट्रेन बनाए थे, न्यूमोकोकस न्यूमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की बात है, तो आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। अब ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, सबसे पहले लिविंग आर स्ट्रेन को माइस में इंजेक्टेड कराया, तो माइस पे कोई इफेक्ट नहीं आया, नॉन पैथोजेनिक था। फिर डेड हीट किल्ड एस स्ट्रेन को उसमें एंटर कराया माउस के अंदर, माइस के अंदर, तो माइस पे जब लाइविंग एस थर्ड को कराया था तो डेथ हो गई थी न्यूमोनिया से, लेकिन हीट किल्ड डेड को कराया तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ। फिर मिक्सर ऑफ लिविंग एस थर्ड और हीट किल्ड आर, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें तो न्यूमोनिया का तो डेथ होगी होगी, हाँ, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंट को इसको आश्चर्यचकित नहीं हुआ था, हाँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर आप मिक्सर ऑफ आर सेकंड और हीट किल्ड एस इन दोनों को मिक्स किया, आप देखें कि आर डिजीज नहीं कर रहा था, हीट किल्ड एस भी नहीं कर रहा था, क्लियर, लेकिन दोनों को मिक्स किया हुए, हां, फिर उसकी डेथ हुई, बिल्कुल। उसके ब्लड में क्या मिला होंगी एस एस थर्ड, इसका मतलब आर कन्वर्ट हो गया किसी में एस में, तो एस से कोई एजेंट निकला होगा और वो किसमें एंटर किया आर में। ये बात ग्रिफिथ ने कही थी, ग्रिफिथ भी कोई ऐसा फैक्टर है जो हीट किल एस थर्ड से निकलकर आर सेकंड में जाकर जिसको एस थर्ड में चेंज कर देता है 100%। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन अपन बात करते हैं, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 4 इसका सही आंसर, बिल्कुल, है ना। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन और ये आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आप उसका कांसेप्ट पढ़ सकते हैं, क्लियर। अब आप नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, How many statements are right for cyanobacteria? No stoke and anabina are membrane of cyanobacteria. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। Cyanobacteria contain two anterior flagella. कभी नहीं हो सकता। Cyanobacteria को flagella कतई पसंद नहीं है। Cyanobacteria में flagella होती नहीं है। बिल्कुल। They have mucilaginous sheath on outer surface of trichome. अभी सर ने बताया था कि चारों तरफ उसके mucilage की sheath पाई जाती है जो उसको moisture provide करती है। They play a great role in nitrogen fixation in pedifield. बिल्कुल सही बात है भाई। जो pedifield है उसके अंदर ये क्या करता है? Entofixation. Entofixation. जैसे कि azolla fern है। बिल्कुल। azolla aquatic fern है। अब azolla के leaves के अंदर आपका anabina azolli। बिल्कुल। अब उस azolla के leaves को अगर आप pedifield में, rice field में, चावल के खेतों में डाल दें, तो उसका जो biofertilizer act ऐसा काम करता है। और वहाँ उपज 50% ज्यादा production बढ़ जाता है। क्लियर? तो ये आप समझ सकते हैं। और cyanobacteria और red algae के life cycle में कोई motile structure नहीं पाई जाती है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि ये करेक्ट है। तो यहाँ फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, तो 3 करेक्ट हो गए, आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन मेंबर ऑफ फॉलोइंग किंगडम, रसायन संश्लेषी स्वपोषी पोषण की विधि निम्न से किस जगत में पाया जाता है। मैंने आपसे कहा कि भी देखो जो ऑटोट्रॉफ है, कल भी अपन ने डिस्कस किया कि ऑटोट्रॉफ है वो तीन किंगडम से रिलेट हो सकते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कुछ मेंबर और प्लांटी। अब मोनेरा में कुछ बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, दे में भी कीमोऑटोट्रॉफ या फिर फोटोऑटोट्रॉफ या फिर फोटोऑटोट्रॉफ। और कीमोऑटोट्रॉफ का जो कैरेक्टर होता है कि किसी केमिकल का ऑक्सीडेशन करके और जो एनर्जी बनती है, एनर्जी रिलीज होती है, सुगर का फॉर्मेशन करना, उससे आप जानते हैं कि सुगर सिंथेसिस में यूज करते हैं, बार बार आता है। तो आप समझ रहे हैं ये कीमोऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया ओनली एंड ओनली किससे रिलेट हो सकते हैं, मोनेरा से। किससे रिलेट हो सकते हैं? मोनेरा से। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4 इसका सही आंसर, बिल्कुल। नेक्स्ट अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के लिए गलत कथन क्या है? दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। बिल्कुल सही बात है, ये विदाउट ऑक्सीजन रह सकते हैं। दे आर स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, मे ग्रो और कल्चर इन नॉन लिविंग मीडियम, कोई दिक्कत नहीं है भी। माइकोप्लाज्मा खुद तो लिविंग ही है भाई, लिविंग सेल है, और लिविंग सेल किसी भी एबायोटिक मीडियम में या आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में, कृत्रिम संवर्धन माध्यम में अपने आप का रेप्लिकेशन कर सकती है, क्योंकि लिविंग सेल अपना सेल्फ एग्जिस्टेंस, उसके पास सेल्फ मेटाबॉलिज्म है, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। बिल्कुल सही है। दे लैक ऑफ सेल वॉल बट मे कंटेन
म्यूसिलेजिनस सीट ऑन आउटर सरफेस, ये सर यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक था ये, दे लैक सेल वॉल, लेकिन म्यूसिलेज की शीट इसके ऊपर नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती है। दे कंटेन डबल स्टैंडर्ड सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है, लेकिन अपने को पूछा इसने रॉन्ग है, रॉन्ग है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा थर्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न खतरों पर विचार कीजिए। आरक्यू बैक्टीरिया में प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल, बिल्कुल अपन बताएं कि आरक्यू बैक्टीरिया ग्रुप ऑफ मिथेनोजेंस, बिल्कुल, और मिथेनोजेंस या तो मार्स रीजन में या इन गट ऑफ द रूमिनेंट एनिमल्स, बिल्कुल, जो रूमेनोकोकस है, तो ये करेक्ट है, वहां पर मिथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। माइकोप्लाज्मा कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल, करेक्ट है, बिल्कुल, और माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट, एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल करेक्ट है। आरक्यू बैक्टीरिया कंटेन क्रोमेटोफोर इन देयर सेल वॉल, ये रॉन्ग है, क्योंकि क्रोमेटोफोर तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होंगे और आरक्यू बैक्टीरिया कंप्लीटली हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक बिल्कुल, विषमकोशी आरक्यू बैक्टीरिया, तो जो क्रोमेटोफोर है वो तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं, हरे गंधक जोड़ों, बैंगनी गंधक जोड़ों, उनके साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन है क्रोमेटोफोर, बिल्कुल है ना, आद्य क्लोरोफिल होते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन, ये वर्णक होते हैं जो आद्य जीवों में नहीं है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो आंसर आपका हो जाएगा फोर, फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल फोर आंसर आपका हो गया सही। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, मोनोट्राइकस, बच्चों मोनोट्राइकस भी एक टाइप है बैक्टीरिया का, लेकिन वो ट्राइक जो फ्लैजिला है उसके अरेंजमेंट के बेसिस पर हो गया, बेसिलस, ये एक बैक्टीरिया की शेप होती है जो रोड शेप होती है, ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग पर बेस पर है, ग्राम नेगेटिव भी स्टेनिंग के बेस पर होता है, स्पाइरलम शेप के बेसिस पर है, पेरिट्राइकस फ्लैजिला के अरेंजमेंट के बेसिस पर है, स्पाइरलम जो है वो शेप के बेस पर है, और बेसिलस भी यहाँ पर शेप के बेसिस पर है, बिल्कुल सही से कहा। देखिएगा कि बैक्टीरिया को शेप के बेसिस पे, कि उनका आप जानते हैं अलग अलग शेप और साइज शो कर सकते हैं बैक्टीरिया, हाँ उनका जो मूलभूत संगठन है, जो फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो सेम होता है, सेम होता है सेल वॉल का, इनका, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वहाँ फोर बेसिक शेप आपको बैक्टीरिया की बता रखी है, चार शेप बैक्टीरिया की हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं कि कोकस राउंड शेप में होता है, तो राउंड या स्पेरिकल, उसके बाद आप कहते हैं कि बेसिलस, बेसिलस ये रोड शेप में होता है, रोड शेप हो गया, उसके बाद आप कहते हैं कि भी स्पाइरलम, स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप का हो गया, उसके बाद आप कहते हैं कि विब्रियो, कोमा शेप, कोमा शेप, तो फोर बेसिक शेप हो गए, बिल्कुल। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ देखो स्पाइरलम और बेसिलस, तो ये मिल रहा है ना शेप के बेसिस, बिल्कुल साफ साफ सुना गया। बाकी आप जानते हैं कि फ्लैजिला, एक बहुत अच्छी लाइन अंशक लिख रही है सेल बायोलॉजी में, कि बैक्टीरिया शो ए रेंज, एक प्रास प्रदर्शित करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर और अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला की संख्या और अरेंजमेंट के बेसिस, तो फ्लैजिला अगर नहीं है तो एट्राइकस, एट्राइकस, फ्लैजिला नहीं है तो एट्राइकस, और फ्लैजिला प्रेजेंट है तो ट्राइकस, ट्राइकस, ट्राइकस में, ट्राइकस में फिर फ्लैजिला है तो फिर मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस या पेरिट्राइकस, तो वो तो फ्लैजिला के अरेंजमेंट पे है, शेप के बेसिस पे आपका आंसर फोर हो गया, बहुत अच्छा, और बहुत अच्छे से इसको तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32, डेमोंस्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट, फिल इन द ब्लैंक है, तो डेमोंस्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट कुड कॉज इन्फेक्शन, सिलेक्ट द राइट ऑप्शन ए बी सी, और आप समझ सकते हैं कि भी ये किसने तो प्रतिपादित किया, तो ये मैं आपको पहले ही समझा चुके हूं आपको, स्टार्टिंग जो एम डब्ल्यू बेंजरिंक ने बताया था कि एक इन्फेक्टेड टोबेको प्लांट से आपने सेल सैप को क्रश किया था और फिर हेल्थी प्लांट के टच किया था, तो वो भी इन्फेक्टेड हो गया था, कॉन्टेंजियम वाइवम फ्लूडम से रिलेटेड आपको बताया था। इसमें आप देखिएगा कि यहाँ पे आएगा बेंजरिंक, उसके बाद टोबेको और हेल्थी प्लांट्स, ये भी इन्फेक्ट हो गए थे, बिल्कुल, तो बेंजरिंक, टोबेको और हेल्थी प्लांट की बात आएगी, बिल्कुल क्लियर है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा फोर। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33, viruses are non-cellular organism but replicate themselves once they infect the host cell. Virus are belong following kingdom. By देखो virus outside of host inert particle है और वो inert particle है nucleoprotein protein particle है बिल्कुल only crystallization possible है उसमें cell का organization जैसे अपने host में वो चले जाते हैं
तो फिर वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, तो वहां क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं, क्लियर। लेकिन वायरस विरोडोलाइकेन में अपना सेल्फ एग्जिस्टेंस, स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं, कृत्रिम संवर्धन माध्यम में प्रतिकृति तैयार नहीं कर सकते हैं, उनका स्वयं का उपापचय नहीं है, खुद का सेल ऑर्गेनाइजेशन, कोशिका संगठन नहीं है, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसीलिए वो किसी किंगडम में नहीं, लिविंग ही नहीं है, तो किंगडम में अपन इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आप जानते हैं कि फाइव किंगडम की लिमिटेशन भी कि वायरस विरोइड को वहां पर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा नन ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन आंसर विल बी फोर। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज इन एनिमल सीक्वेंस रिलेटेड विद बैक्टीरिया एंड वायरस, मतलब एनिमल में ढूंढना अपने को इसके अंदर, तो सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया से होता है लेकिन ये प्लांट में हो गया, इस वजह से पहला ऑप्शन यहां नहीं हो सकता। टाइफाइड यहां पर जो है वो बैक्टीरिया से होता है एनिमल में, और इन्फ्लुएंजा जो है ये वायरस से होता है एनिमल में, तो यहां पे करेक्ट आंसर आ गया सेकंड, मंपस एंड इन्फ्लुएंजा ये दोनों यहां पे आप कह सकते हैं वायरस से होता है। रेड टाइड ये तो गोनियोलेक्स से होता है जो कि डायनोफिजिलेट हो गया, और एड्स जो है वो वायरस से होता है। बाय द वे रेड टाइड तो कोई डिजीज भी नहीं है, ये तो गोनियोलेक्स से होता है, और आपको कर्मस है यानी रेस्पेक्टिवली आपको बैक्टीरिया और वायरल डिजीज वो भी एनिमल में आपसे पूछा है, तो आप समझ सकते हैं कि जो डिजीज एक आपकी है, डिजीज एक आपकी है वो तो किससे जनरेटेड है, एक डिजीज तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो सिट्रस कैंकर है वो तो प्लांट में हो रहा है जेंटोमोनासाइट्री से, और टिटनेस जो आपका हो रहा है वो आप जानते हैं बैक्टीरियल डिजीज है, जबकि यहां पर टाइफाइड और इन्फ्लुएंजा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। तो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, बैक्टीरिया परफॉर्म रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जीवाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रजनन संपन्न करता है, तो बहुत अच्छे से अपन को पता है कि फेवरेबल कंडीशन के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर फेवरेबल कंडीशन के अंदर वो बाइनरी फ्यूजन शो करता है, बाइनरी फ्यूजन जब उसके लिए सारी फेवरेबल कंडीशन हो, न्यूट्रिएंट और सारी चीजें उसके लिए अवेलेबल हो। कैसे हैं बाबूलाल जी? हाँ भाई, कैसे हैं सब लोग? ठीक चल रही भाई गुरु नीति? ठीक चल रहा है। चलो जी, अब इधर से यादव बात करते हैं। दोस्तों, गुरु नीति के वीडियो चल रहे हैं, ये हमारे बाबूलाल सर हैं, ये भी सीएलसीएल स्टूडेंट हैं, ललित सोनी हैं, ये भी मेरे स्टूडेंट हैं, गुरु नीति में करीब करीब मेरे स्टूडेंट ही हैं जो आज मेरी फैकल्टी हैं। इन सब का सपना था ये कि बॉस हम वो करें जो कभी आपने हमारे बहुत अच्छा किया था, आज हमारे जूनियर्स के लिए हम अच्छा करें। तो आपके सामने वीडियो आ रहे हैं, इसको अपलोड करने का टाइम चेंज कर दिया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री अपलोड 8 बजे होंगे, बायोलॉजी अपलोड 9:30 बजे होगा, तो हम आपको लाइव स्ट्रीम के रूप में देना चाह रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा करना है, पूरी गुरु नीति देश के सारे अपने दोस्तों को दिखाओ। दोस्तों, प्रियो पोस्ट है भाई, फॉलो करो इसको यार। बाकी डेली शाम सीएलसी सीकर के फेसबुक पेज पर लाइव आता हूं मैं, वहां आए, पढ़ाई करें, मस्त रहें। आप सीकर आ जाओ, मैं कहूंगा हॉस्टल वगैरह सारी व्यवस्था है अपने, आप एक बार सीकर आ जाओ, फिर देखो 2021 में बड़ा हंगामा करना अपने को। थैंक यू। और आप समझ सकते हैं कि भी अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो बैक्टीरिया के अंदर एंडोस्पोर फॉर्मेशन होगा, एंडोस्पोर, और एंडोस्पोर आप जानते हैं कि जो कैल्शियम डाइपिकोनोलिक एसिड का बना होता है एंडोस्पोर, और आप समझ सकते हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन को पास करने का एक वो क्या होगा, तरीका होगा, एक्सट्रीम कंडीशन के लिए रेजिस्टेंस शो करता है, बिल्कुल। तो आप समझे कि यहां पर आपका आंसर क्या होगा, स्पोर, स्पोर विल बी थर्ड। मोस्ट ऑफ द आर्की बैक्टीरिया रिस्पायर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑलवेज ओबेन ऑक्सीजन इन बायोगैस प्लांट, नन ऑफ दिस। देखो बच्चों, आर्की बैक्टीरिया जो है वो आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में मिलता है, अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है जहां पे O2 अवेलेबल ही नहीं होती है, इसका मतलब मेनली अपन यहां पे कह सकते हैं कि आर्की बैक्टीरिया जो है वो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि वो एक्सट्रीम कंडीशन मानी जाती है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 37, सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर हेटरोसिस्ट, हेटरोसिस्ट के लिए गलत कथन का चुनाव करना है, तो दे आर फाउंड इन नोस्टोक एंड एनाबिना, बिल्कुल करेक्ट है, अपन पहले ही डायग्राम से आपको शो कर चुके हैं या दर्शा चुके हैं, साइनोबैक्टीरिया में होते हैं, फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया नोस्टोक और एनाबिना, उनमें हेटरोसिस्ट होती है जो N2 फिक्सेशन को परफॉर्म करती है, क्योंकि नाइट्रोजनस एंजाइम कंटेन होती है, नाइट्रोजनस रेस्पॉन्सिबल फॉर N2 फिक्सेशन, तो दे आर फाउंड इन क्लोरेला रॉन्ग, दे हैव नाइट्रोजनस एंजाइम टू परफॉर्म N2 फिक्सेशन करेक्ट, मोस्टली साइनोबैक्टीरिया फाउंड इन वाटर ऑफ पैडी फील्ड एंड परफॉर्म N2 फिक्सेशन, बिल्कुल, तो बिल्कुल करेक्ट है कि जैसे एजोला एक एक्वाटिक फर्न है, अब एजोला के लीव्स के अंदर एनाबिना एजोली जो सिम्बायोटिक फॉर्म में रहता है, और एजोला को पेडीफिल्ड में
राइस फील्ड में अगर अपन डाल दे एज ए बायो फर्टिलाइजर तो प्रोडक्शन 50% तक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि 4 भी करेक्ट है। आपसे पूछा रॉन्ग स्टेटमेंट, तो रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड, क्योंकि एंड टू फिक्सेशन की जो प्रॉपर्टी होती है, एंड टू फिक्सेशन का जो करेक्टर होता है, ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट, और प्रोकैरियोट में भी ओनली इन फ्यू प्रोकैरियोट, यानी बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। क्लियर? तो आप समझ सकते हैं कि भी एल्गी है क्लोरेला, तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है हाँ। लेकिन ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं कर सकता, इसके पास में हेटेरोसिस सेल जो है वो नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन। देखिए अगर आप कंडीशन देखें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो यूकेरियोटिक में आप कह सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस जो मीजोसोम है वो होता है, और मीजोसोम के अंदर ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। अगर आप ग्लाइकोलाइसिस की बात करो, लिंक रिएक्शन की बात करो, क्रेब साइकिल की बात करो, तो ये तो जो स्टेप है वो साइटोप्लाज्म में होते हैं, और जो ईटीएस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो कहां पे हो जाएगा, मीजोसोम में हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा सभी। देखो प्रोकैरियोट में, ये बोल रहे कि प्रोकैरियोट में जो है ग्लाइकोलाइसिस लिंक और क्रैब साइटोप्लाज्म में हो जाएगा, यूकेरियोट में तो लिंक और क्रैब भी स्ट्रिक्टली एरोबिक है और वो स्टार्ट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन ईटीएस, ईटीएस के लिए वहां पर लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी सिंथेज, और एटीपी सिंथेज जो है लोकेटेड इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल थाइनेकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, दो जगह होता है, और बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट मीन मीजोसोम, एंड मीजोसोम आर द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है बस उसका एक्सटेंशन है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच इज नॉट ट्रू फॉर मोनरल्स, मोनरा के लिए यहां पे कौन सा सही नहीं है, दे रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड परफॉर्म मियोसिस डिवीजन, यहां पे दोनों बात गलत है। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन होता है, और मियोसिस जो है वो भी बैक्टीरिया में नहीं होता, बैक्टीरिया में एमाइटोसिस होता है, न कि माइटोसिस न कि मियोसिस होता है, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम ही नहीं होते। सीधी सी बात है कि भाई बैक्टीरिया सेल के अंदर स्टोन प्रोटीन नहीं है, स्टोन प्रोटीन नहीं है तो ऑर्गेनाइज्ड क्रोमोसोम संगठित गुणसूत्र पॉसिबल नहीं है, और संगठित गुणसूत्र पॉसिबल नहीं है तो फिर उनका डिवीजन कैसे होगा भाई, माइटोसिस क्रोमोसोम ही नहीं है तो माइटोसिस मियोसिस पॉसिबल ही नहीं है, माइटोसिस मियोसिस नहीं है तो नो क्रोमोसोम, नो माइटोसिस मियोसिस, नो गैमेट फॉर्मेशन, नो सेक्सुअल, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। तो अपन कहते हैं कि भी व्हिच इज नॉट ट्रू मोनेरन, दे रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड परफॉर्म मियोसिस, और आप समझ सकते हैं कि दे लैक ऑफ स्टोन प्रोटीन, ये तो हो जाएगा, मोस्ट ऑफ देम हैव सेल वॉल, ये भी हो जाएगा कि माइकोप्लाज्मा को छोड़कर कंप्लीट मोनेरा के मेंबर में सेल वॉल होती है, दे आर प्रोकैरियोटिक 100% हो जाएगा, तो आंसर विल बी फर्स्ट, आंसर इसका फर्स्ट हो गया। सेलेक्ट रॉन्गली मैच्ड पेयर गिवन बिलो, स्ट्रेप्टोमाइसिस ये जो है वो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करती है, बिल्कुल सही बात है, स्ट्रेप्टोमाइसिस यीस्ट जो है उससे हम ब्रेड का फॉर्मेशन भी करते हैं और एथेनॉल का फॉर्मेशन भी करते हैं, मेथेनोजन जो होता है जो कि आर्किबैक्टीरिया है यह मेथेनोजन गोबर गैस का प्रोडक्शन करता है, एंड जो यहां पर कोलीफेज है ये विनेगर का प्रोडक्शन नहीं करता, कोलीफेज तो वायरस होता है ठीक है, ये विनेगर का प्रोडक्शन नहीं करता, इसका जो प्रोडक्शन है हम किससे करते हैं, एसिटोबैक्टर एसिटाइज से करते हैं, बिल्कुल आपका आंसर विल बी फोर्थ, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है, तो अपन बार बार आपको कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंदर दो टाइप के बैक्टीरिया हो सकते हैं, दे मे बी फोटोट्रॉफ एंड दे मे बी कीमोटोट्रॉफ, और ये कैरेक्टर ओनली एंड ओनली बैक्टीरिया में मोनेरा में है, तभी तो मोस्टली सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी वो शो करते हैं, सबसे ज्यादा उपापचय विविधता वो दर्शाते हैं, ये सीबीएसई 2012 का क्वेश्चन भी है, आप समझ सकते हैं। तो देखिएगा कि बैक्टीरिया के अंदर दो जो टाइप हैं, एक कीमोटोट्रॉफ जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, कीमो ऑटोट्रॉप्स, दूसरा फोटोऑटोट्रॉफ, दूसरा आपका फोटो ऑटोट्रॉप्स, तो फोटोऑटोट्रॉप्स जो बैक्टीरियाज हैं उसमें आप समझ सकते हैं कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, दो टाइप यहाँ पे होते हैं, बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं कि नॉन ऑक्सीजनिक फोटो या नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, तो यहाँ ग्रीन सल्फर पर्पल सल्फर ये फोटोसिंथेटिक हो जाएंगे, और नाइट्रोसोमोनास आपको भी अपने बताया ड्यूरिंग नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन इज ए ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज करता है, अमोनिया कन्वर्ट इनटू नाइट्राइट, तो नाइट्रोसोमोनास
एंड देन नाइट्राइट कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट टू नाइट्रो बैक्टर. तो ये कीमोटोट्रोफ है, यहाँ अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको यूज करेंगे अपने शुगर के सिंथेसिस में. तो यहाँ पर आपका आंसर आपका होगा थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड. और ये नहीं हो सकता, तो आप समझ सकते हैं कि आंसर थर्ड हो गया. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड. दिए गए कॉलम एक तथा कॉलम दो को सुमिलित कीजिए. आर्किबैक्टीरिया इधर है, यूबैक्टीरिया इधर है. बैक्टीरिया सर्वाइव एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये जो करेक्टर है वो आर्किबैक्टीरिया का हो गया, जो कि वेरी एक्सट्रीम कंडीशन हो गई. कंटेन ब्रांच्ड चेन ऑफ लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड है वो ब्रांच्ड है, वो भी आर्किबैक्टीरिया का होता है. फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया. फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया जो वो कौन से हो गए, ये यहाँ पे यूबैक्टीरिया हो गए. बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस का जो प्रोडक्शन है वो मिथेनोजन से होता है, और जो मिथेनोजन है वो यहाँ पे हो गए आर्किबैक्टीरिया. परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये जो है वो साइनोबैक्टीरिया हो गए एक तरीके से, और ये सभी किस में आते हैं, यूबैक्टीरिया में आते हैं. फाउंड इन गट रीजन ऑफ काउस एंड अदर रुमिनेंट एनिमल्स. तो यहाँ पर भी मिथेनोजन होते हैं, ये भी यहाँ पे कौन से हो गए, आर्किबैक्टीरिया हो गए. तो इस तरीके से अपन यहाँ पे कह सकते हैं. ऑप्शन फोर में आपका ए का फर्स्ट सेकंड फोर और सिक्स है, और बी में आपका थर्ड और फोर्थ है. तो सही आंसर क्या होगा, फोर्थ हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43. मार्क द इनकरेक्ट मैच. नो स्टॉक, एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल. ये तो पॉसिबल नहीं है, नो स्टॉक तो साइनोबैक्टीरिया है और इसमें तो क्लोरोफिल होगा ही होगा, तो ये रॉन्ग यहां पे हो गया ऑप्शन. सिंगल सेल प्रोटीन मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस, बिल्कुल सही है. सिट्रस कैंकर जेंथोमोना सिट्राई से होता है, बिल्कुल सही है. स्पाइरोलाइना में मैक्सिमम प्रोटीन होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, जिसको आप आर्टिफिशियली जो कल्चर मीडियम है उसमें ग्रो भी कर सकते हो. भाई ये ड्राई वेट का 70% प्रोटीन इससे ऑब्टेंड हो सकता है, इसके ड्राई वेट का 70% प्रोटीन रखता है. और सबसे ज्यादा जो अपन को प्रोटीन देने वाला जो एल्गी है स्पाइरोलिना है, बीजी है, और सेकंड नंबर पे क्लोरेला, बिल्कुल, जो यूकेरियोटिक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, जिसको स्पेस ट्रेवलर्स भी यूज करते हैं स्पेस के अंदर. बिल्कुल, तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां से आपसे पूछा है, वो स्टॉक हो गया. आंसर विल बी फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 44. कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम देयर एटीपी फॉर्मेशन. रसायन संश्लेषी सोपोसी जीवाणु एटीपी निर्माण के लिए ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं. बार बार ये कंसेप्ट आपको हम बार बार इसको अपन डिस्कस कर चुके हैं. सीधी सी बात है कि जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, दे ऑक्सीडेशन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एनी केमिकल, किसी भी केमिकल का ऑक्सीडेशन करेंगे, मोस्टली इनऑर्गेनिक, और उस ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको यूज करेंगे शुगर के शुगर सिंथेसिस के लिए. भाई जो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फूड सबस्टांस सिंथेसिस में यूज करेंगे, CO2H2 से ग्लूकोज फॉर्मेशन के अंदर उस एनर्जी को यूज करेंगे. जबकि फोटोटोट्रोप क्या करते हैं, एंट्रैप द सनलाइट, और सनलाइट को एंट्रैप करने के बाद जो एनर्जी फॉर्म होती है उसको शुगर सिंथेसिस में यूज करते हैं. तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक करते हैं, ऑक्सीडेशन टू वेरियस इनऑर्गेनिक. सेकंड ऑप्शन यहाँ पर 100% करेक्ट है. और ऑक्सीडाइज टू नाइट्राइट टू नाइट्रेट, अभी मैंने आपको बताया था नाइट्रोबैक्टर ऐसा करता है, तो वो भी कीमोटोट्रोप है. और कीमोटोट्रोप जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं कीमोटोट्रोफी होते हैं, तो थर्ड भी हो जाएगा. तो फिर आप यहां पर आंसर आपका हो जाएगा फोर, बोथ सेकंड एंड थर्ड. नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45. सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म. कुछ जीवों के लक्षणों के अनुसार सही जोड़ी का चुनाव कीजिए. मिथेनोजन आर आर्किबैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मिथेन इन मार्च एरिया. बिल्कुल यहाँ पे सही स्टेटमेंट है. कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया सिंथेसिस सेल्यूलोस फ्रॉम ग्लूकोज. ये यहाँ पे इसने उल्टा दे दिया, ये रॉन्ग हो गया. माइकोप्लाज्मा लैक ऑफ सेल वॉल एंड सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. बिल्कुल सही यहाँ पर माइकोप्लाज्मा एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकता है और प्रेजेंस के अंदर भी हो सकता है. मेनली रहता है O2 की प्रेजेंस में, अगर O2 नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, सर्वाइव कर सकता है. नो स्टॉक परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन इन हेटेरोसिस्ट सेल ऑफ फिलामेंट. बिल्कुल करेक्ट, यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट है. हेटेरोसिस्ट आपको बिल्कुल समझा दिया कि उसमें नाइट्रोजनेज एंजाइम है, निप जीन इंड्यूस नाइट्रोजनेज एंजाइम, नाइट्रोजनेज एंजाइम परफॉर्म N2 फिक्सेशन इन एनारोबिक कंडीशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. और जो हेटेरोसिस्ट में जो थिक वॉल होती है व्हिच इज इनपरमीबल फॉर O2 बट परमीबल फॉर N2, और वहां पीएस सेकंड फोटोसिस्टम सेकंड एब्सेंट होता है, तो वाटर का फर्टिलाइज होता नहीं है, O2 लिबरेटेड नहीं होती है, O2 रिलीज नहीं होती है. तो वहां किसी भी कंडीशन में आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की कंडीशन नहीं होती है, नहीं होती और नाइट्रोजनेज अच्छे से फंक्शन करता है. बिल्कुल, वहां पर जो सेल वॉल है वो काफी थिक होती है, तो O2 बाहर से नहीं आ सकती.
अंदर पीएच सेकंड नहीं है तो ओ2 अंदर भी नहीं बन सकती, तो एनारोबिक कंडीशन यहां पे होती है। तो यहां पे आप देखिएगा कि ए सी और डी, तो ऑप्शन में अपन बात करते हैं कि ए सी एंड डी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर राइट व्हिच आर गिवन बिलो, दिए गए खतरों में कितने खतरे सही हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल, जीवाणु जैसे जीव यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में अधिक तीव्रता से गुणित होते हैं। बिल्कुल सही है, सेल बायोलॉजी एनसीईआरटी के अंदर सीधी लाइन है कि स्ट्रक्चरली प्रोकैरियोट आर सिंपलर बट यूकैरियोट आर स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स बट प्रोकैरियोट रैपिडली डिवाइड। बिल्कुल, यूकैरियोट के कंपैरिजन में वो तीव्रता से गुणन कर सकते हैं क्योंकि संरचनात्मक रूप से सरल कोशिका है, जबकि यूकैरियोट को डिवीजन में टाइम लगेगा और वहां स्टोन प्रोटीन भी नहीं है, तो ऐसा क्रोमेटिन का फॉर्मेशन और ऐसा स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम का फॉर्मेशन और माइटोसिस मियोसिस भी नहीं होता। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि भी ये करेक्ट है। इन बैक्टीरिया सम राइबोसोम एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो बिल्कुल ये करेक्ट है क्योंकि बैक्टीरियल सेल में अपन देखते हैं तो बैक्टीरियल सेल में ये सेल एनवलप में 3 लेयर होती है, टाइटली 3 बाउंडेड लेयर, आप समझ सकते हैं ग्लाइकोकैलिक्स देन सेल वॉल और फिर आपका होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वहां रेस्पिरेटरी एंजाइम भी एसोसिएटेड होते हैं और राइबोसोम बिफोर प्रोटीन सिंथेसिस उसकी जो दोनों यूनिट सेपरेट होती है तो 50S यूनिट यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होती है। तो ये सेल बायोलॉजी के अंदर बिल्कुल करेक्ट लाइन आपको लिख रखी है, एनसीईआरटी की लाइन है, करेक्ट है बी ऑप्शन भी। पिलाई एंड फिम्बरी आर स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया विच रिलेटेड विथ मोर्टलिटी, बिल्कुल गलत बात हो गई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था सीबीएसई 2016 के अंदर कि बैक्टीरियल सेल पर जो सरफेस आउटर ग्रोथ होती है, सरफेस आउटर ग्रोथ के अंदर आप समझ सकते हैं कि साइटोप्लाज्म आउटर ग्रोथ फ्लैजिला पिलाई फिम्बरी एंड फिम्बरी ब्रिस्ट लाइक स्ट्रक्चर फिम्बरी। यहां मोटिलिटी में रोल ओनली एंड ओनली फ्लैजिला का होता है, मूवमेंट गति में भूमिका केवल और केवल फ्लैजिला की होती है। पिलाई यहां कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, फिम्बरी यहां अटैचमेंट में हेल्प करता है, या तो जो स्प्रिंग होते हैं झरने होते हैं वो बहते हैं तो रॉक चट्टान से अटैचमेंट में हेल्प करता है, या फिर वो डिजीज करता है पैरासाइट में होता है तो होस्ट के टिश्यू ऊपर चिपक जाता है, होस्ट की बॉडी से होस्ट के टिश्यू से उसके अटैचमेंट में हेल्प करती है फिम्बरी। तो तीनों के वहां सेपरेट फंक्शन दे रखे हैं, मूवमेंट में रोल ओनली किसका होगा, फ्लैजिला का। तो ये 100% आप समझ सकते हैं कि रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया सी स्टेटमेंट। गैस वैक्यूल आर प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं और साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनमें गैस वैक्यूल होती है, बट गैस वैक्यूल आर नॉट ट्रू वैक्यूल, क्योंकि वैक्यूल ट्रू वैक्यूल जो होती है सेंट्रल वैक्यूल जो होती है वो तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म है और गैस वैक्यूल में मेम्ब्रेन प्रोटीन की लेयर से कवर होती है, ओनली प्रोटीन की लेयर से कवर होती है, जो गैस के लिए परमेबल है, गैसेज के लिए परमेबल है। तो ये एज ए इंक्लूजन बॉडी होती है, एज ए इंक्लूजन बॉडी जो गैस वैक्यूल होती है, तो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे वायरस एंड बैक्टीरिया कंटेन प्लाज्मिड, यहाँ रॉन्ग हो जाएगा, वायरस तो नॉन लिविंग है, इनर्ट पार्टिकल आउटसाइड ऑफ सेल, तो प्लाज्मिड तो किसका कैरेक्टर है, बैक्टीरिया का कैरेक्टर, जो आपको बार बार बैक्टीरिया सेल से समझा दिया। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ई ऑप्शन आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ए बी और डी यहाँ पर करेक्ट है, तो 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर विल बी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 47, फंक्शन रिलेटेड विद बैक्टीरिया, वगैरह जीवाणु से संबंधित है। तो देखिए बहुत सारे बैक्टीरिया प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स रिलेटेड होते हैं, करेक्ट आंसर है। मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, करेक्ट एनसीईआरटी में है। एंड टू फिक्सेशन इन लेग्यूम रूट, यहाँ लीव छप सकता है लेकिन रूट आएगा यहाँ पे, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48, व्हिच स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर मेसोसोम ऑफ बैक्टीरिया, परफॉर्म रेस्पिरेशन, एनालॉगस स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल फॉर्मेशन जो है करता है ये, दे हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऑफ बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो मेजोसोम के अंदर नहीं होते, वो क्रोमेटोफोर में होते हैं, हेल्प इन सेल डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया, बिल्कुल है। तो आप समझ सकते हैं कि बैक्टीरिया सेल के अंदर, मैंने आपको बताया कि ये बैक्टीरिया में सेल वॉल है, ये मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से आपका बनता है मेजोसोम, इनफोल्डिंग होती है ये मेजोसोम, जो यहां न्यूक्लियोइड जीनोफोर जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है उससे टच होगा, तो ये जानते हो रेस्पिरेशन के साथ साथ इंक्रीज सरफेस एरिया एंड एंजाइम कंटेंट और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए इन डॉटर सेल, जो एनसीईआरटी सेल बायोलॉजी में एक एक फंक्शन आपको लिख रखा है, और उसके बाद आप जानते हैं कि भी सेल वॉल सिंथेसिस, सेल वॉल सिंथेसिस। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि ए हो गया, बी हो गया एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, सी हो गया और आप समझ सकते हैं कि ई, तो आप जानते हैं कितनी स्टेटमेंट, 4, आप समझ रहे हैं, तो सेकंड आपका आंसर हो गया इसका। तो मेजोसोम से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आते हैं, मेजोसोम के फंक्शन आपको याद होने चाहिए, जैसे मेजोसोम का फंक्शन है रेस्पिरेशन करना,
एनर्जी प्रोडक्शन करना, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डिस्ट्रीब्यूशन, सेल डिवीजन, सेल वॉल फॉर्मेशन, सिक्रेशन, ये सारे फंक्शन मेजर सो बहुत बहुत अच्छी बात। एग्जाम में नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49, स्मॉलर लिविंग ऑर्गेनिज्म देन बैक्टीरिया कैन सरवाइव विदाउट ऑक्सीजन पैथोजन एनिमल एंड प्लांट, बिल्कुल जीवाणु से छोटे जीव जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वृद्धि कर सकते हैं, जंतु पात्रों में रोगकारी होते हैं, तो आप समझ सकते हैं वो क्या है, माइकोप्लाज्मा भाई, वायरस नहीं हो सकता, माइकोप्लाज्मा। तो फोर आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है बिल्कुल। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका है सर, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल कंपोजिशन बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू, कोशिका भित्ति के संगठन के आधार पर जीवाणुओं को बांटा जा सकता है, यू बैक्टीरिया एंड इकोलाई बैक्टीरिया, आरके बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक एंड पैरासाइटिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो सेकंड हो गया भाई। आप समझो कि जो तीन डोमेन बनाए थे और आपने भी कहा था कि सेल वॉल जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड की एंड ऑल ऑफ में डिफर है आरके बैक्टीरिया, फिर आपका बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों ही, दोनों में डिफरेंस है। सेल वॉल अगर बैक्टीरिया की है तो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनती है, म्यूरिन से बनती है, तो बिल्कुल आर्किबैक्टीरिया में बनती है स्यूडोम्यूरिन से, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड से बनती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने डिस्कस किया आपके सामने 50 क्वेश्चन जो आप समझ सकते हैं कि वायरस और किंगडम मोनेरा से रिलेटेड थे, और सर आप समझ सकते हैं कि अपन ने पूरा, और बेटा आप भी वायरस टॉपिक को सेपरेट पढ़ के जो फाइव किंगडम में अपन उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, और आप किंगडम मोनेरा, तो मोनेरा में आप समझ सकते हैं कि आर्किबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया तीन ग्रुप आपने अपने डिस्कस किए, हेलोफी, थर्मोसिडोफिल और मिथेनोजेन, उनको डिस्कस करना। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि यू बैक्टीरिया में पहले बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया सेल जो टिपिकल प्रोकैरियोट सेल है, सेल बायोलॉजी से, उसके बाद बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन है, बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन है, रिप्रोडक्शन है, और उसके पश्चात आप समझ सकते हैं कि क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही फिर आप साइनोबैक्टीरिया जो कंप्लीटली फोटोसिंथेटिक ग्रुप है ना, और उसकी सेल में मिश्रेजर, वो सारी बातें आपको 100% क्लियर करनी है, एंड देन आप समझ सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा किससे रिलेटेड होता है, तो एंजॉय प्लांट डाइवर्सिटी, एंजॉय प्लांट किंगडम, सीक्वेंस ऑफ एनसीईआरटी, एंजॉय एनसीईआरटी लाइंस, मी बाबूलाल चौधरी टीम बोटनी, मेरे साथ मैं ललित सोनी टीम बोटनी, हम दोनों ने आपके लिए इस तरीके से इसको परफॉर्म किया है कि वायरस के क्वेश्चन जो हमने पहले कर लिए थे ताकि बच्चे का एक बार में पूरा कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए, बिल्कुल, फिर हमने बैक्टीरिया को अलग से छाट लिया था, बिल्कुल, ताकि जो बच्चा है वो क्वेश्चन भी कर ले और उसके आसपास की जो थ्योरी है हम उसको भी इजीली लपेट ले, बिल्कुल सारे करेक्ट। हम नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो प्रोटिस्टा से एंड देन अपना फंजाई, एल्गी और उसके बाद प्लांट किंगडम, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, बिल्कुल एनसीईआरटी तीनों चैप्टर को बिल्कुल सिक्वेंस में अपन लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, एंजॉय, और अपने आप को तैयार करें, मस्त रहें, अच्छे रहें, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।